पंजाब सरकार की सभी योजनाएं सही होने तथा लाभ पार्थियों तक पहुंची हैं या नहीं, इसके लिए तैनात किए गए पूर्व सैनिकों की एक रैली अमृतसर के सैनिक भलाई सेंटर में आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार जनरल टीएस शेरगिल तथा अमृतसर के डीसी कमलदीप संघा के अलावा अन्य रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जनरल टीएस शेरगिल ने बताया कि जीओजी मतलब खुशहाली के रखवाले की नियुक्ति सरकार की स्कीमों पर नजर रखने तथा उनकी रिपोर्ट सरकार तक पहुँचाना है, ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सके तथा जहां अच्छा काम हुआ है उसकी प्रशंसा की जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीओजी को 11,000 रुपए महीना इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वह अपना काम करने में उन्हें कोई दिक्कत ना आने पाए। यह जो प्रोग्राम है एदा मकसद सिर्फ एक ही है कि सरकार जड़ी हैगी ओदी तुसी अखा बन जाओ, कान बन जाओ, जबान बन जाओ, और जड़ी स्कीमां ने जड़ी नियुक्त कीता गया गई ने स्कीमां दे उत्ते तुसी रिपोर्ट देनी हैगी कि किवें चल रही हैं। सो यह तो होगा हैगा जीओजी का मकसद। और अज तक 5 डिस्ट्रिक्ट यह स्कीम चल पई है। वैसे तो पूरे पंजाब चल जानी सीगी, पर तुहानू पता है कि तिजोरी पैसे थोड़े घट ने, तो हौली हौली जिवें ही पैसे आउणगे यह जिहड़ी स्कीम हैगी है हर थां यह फैल जू। सब तो वड्डी गल समझण वाली वो यह हैगी है कि जिन्हें भी तुसी इत्थे लाल पग्गों वाले देखे ने बैठे, यह वॉलंटियर ने, और जिहड़े इन्हां नूं पैसे दित्ते ने वह इस लई दित्ते ने ताकि यह घूम फिरन पिंडां 'च। इन्हां नूं हर बंदे नूं 11,000 रुपया दिता जाएगा, और वह जिहड़ा पैसा है मैं फिर दोहराना, इस लई दिता गया है कि यह घूम फिरन हर एक जिहड़ी स्कीम है उन्हों चैक करन और उत्ते रिपोर्ट भेजन। हुण यह जिहड़ी स्कीमां ने हर रोज़ यह रिपोर्टां पा रहे ने, और जिहड़ी भी स्कीम हैगी है हुण जायज़ा लाया जाएगा कि किहड़े पासे हुण सरकार ध्यान देवे। जिथे तक कोई खास गल होए कि कोई चीज़ कोई खराबी है, सरकार जिहड़ी हैगी है डीसी दे थले एसडीएम्स दे थले वह एकदम उहदे उत्ते एक्शन लैंदियां। हाँ जी, जिस तरह डीसी साहब ने भी समझाता तुहानू कि कोई भी गल होवे जिहड़े कि समझदे ने कि ठीक नहीं हो रहा, एक होर गल सिर्फ ठीक नहीं हो रहा, जिहड़ी स्कीम या कोई काम वधिया हो रहा वह भी दसना है, क्योंकि जिन्हों शाबाशी देनी है वह भी इन्हां ने उपर तक पहुँचानी है कि इत्थे काम ठीक हो रहा, इन्हां नू शाबाशी देनी चाहीदी है। इस महीने तो यह स्कीम शुरू की गई है पंजाब सरकार वालों, और मैं समझदा कि बहुत वड्डा एडवांटेज होगा पिंडां दे विच साढ़े जिवें आईज एंड ईयरस होणगे ये लोग जिन्हां दा कोई डायरैक्ट कोई दफ्तरी काम नहीं हैगा, लेकिन वो ये देखणगे कि किहड़ियां स्कीमां दा चंगे तरीके नाल लोगों नूं लाभ पहुँच रहा है, की उहदे विच गैप्स हैगे है, ताकि असी एक लाइन डिपार्टमेंट तो अलग एक साडा एक सोर्स हो जाऊगा, इंडिपेंडेंट सोर्स हो जाऊगा, जिहदे नाल सानू फीडबैक मैकेनिज़म बहुत वधिया बन जाऊगा। और मैं समझदा कि यह सारिया स्कीमां नूं होर चंगेरे ढंग दे नाल लागू करन वास्ते ते जे किते पॉलिसी 'च कोई तरमीम की जरूरत हैगी उहदे वास्ते भी गवर्नमेंट वास्ते बहुत सहाई हो। उपर वाली कोई गल नहीं, उन्होंने सिर्फ ये देखना कि ऑब्जर्व करना ते रिपोर्ट करना, इस करके उपर वाली कोई गल नहीं। किसी ने इन्हां नूं कोई ये नहीं है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शनस लैनी है इन्हां तों, इन तां एक रिपोर्टिंग का मैकेनिज़म है सरकार वास्ते, समझ लो कि एक वधिया ढंग बन जाना जिहदे नाल सानूं इह पता लग जाए कि 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 स्कीम किस तरीके दे नाल लोकां तक पहुँच रही है जां कोई गैप्स। डेफिनेटली सारियां स्कीमां जिहड़ियां इहदे विच दसियां गईआं उहनां बाबत रिपोर्ट भी करनी है, और असीं इहनां नूं इस गल लई भी यूज़ करांगे कि जे कोई होर इहनां दी ऑब्जरवेशन हैगी है जिहड़ी साडे वास्ते एक चंगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पोंसिव एडमिनिस्ट्रेशन देण वास्ते जिहड़ी सही।